फतेहपुर के खेहर में 20 वर्षीय युवक की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने मृतक के चाचा को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला जिला कांगड़ा के फतेहपुर विधानसभा के अंतर्गत राजा का तालाब के गांव खेहर में हुआ है। हत्या का कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है। वारदात बुधवार देर शाम की बताई जा रही है, जब 20 वर्षीय युवक अजय कुमार अपने माता पिता और बहन के साथ राजा का तालाब से गाड़ी में घर की तरफ जा रहा था। घर के नजदीक ही इनके पड़ोसियों ने रास्ते में बड़ी बड़ी लकड़ियां गिराकर रास्ता रोका और गाड़ी तोड़ दी। इसके बाद अजय व उसके परिवार को पीटना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि इस झपड़ में अजय कुमार को सड़क पर पटक कर मारने के कारण उनकी मौत हो गई। अजय के परिवार के सदस्य घायल अवस्था में नूरपुर अस्पताल में पहुंचे, जहां अजय कुमार को मृत घोषित किया गया व अन्य की मेडिकल जांच की गई। एएसपी कांगड़ा दिनेश कुमार ने मामले की पुष्टि की है और बताया कि अजय कुमार का शव पोस्टमार्टम के लिए नूरपुर अस्पताल में रखा गया है। शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित मृतक के चाचा सुभाष चंद्र निवासी खेहर को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है।